अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप जिंदगी भर उनके गुलाम बनकर रहेंगे। तोड़कर जोड़ लो चाहे हर चीज दुनिया की, सबकी मरम्मत मुमकिन है एक बार के सिवा। राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। किसी का मजाक और अपना पैसा सोच समझकर ही उड़ाना चाहिए। अंधकार में छाया, वृद्धा अवस्था में काया और मौत के समय माया किसी का साथ नहीं देती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो पढ़ने योग्य हो, या कुछ ऐसा करना चाहिए जो लिखने योग्य हो। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। भीड़ में खड़े रहना तो एक आसान बात है, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए साहस चाहिए। सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। आपका हर पाप आपकी आयु को घटता है और हर पुण्य आपकी आयु को दुगनी करता है। आज आपकी इस बड़ी पहचान का श्रेय आपके माता पिता का है। जो लोग देखने में सुंदर नहीं होते, यकीन मानो तो उन लोगों के दिल अक्सर सुंदर होते हैं। झुका लेता हूं अपना सर दूसरे धर्मस्थलों के सामने भी, क्योंकि मुझे मेरा धर्म किसी और धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। जीवन में सच्चे मार्ग पर चलना और इंसानियत को निभाना हर इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। अगर जिंदगी को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। सफलता हमेशा उन लोगों के हाथों में ही आती है जो हाथों की लकीरों पर भरोसा किए बिना कर्म करना जानते हैं। उस इंसान को हराना बहुत मुश्किल होता है जो कभी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। भगवान भी उन लोगों की मदद करता है जो इंसानियत के धर्म पर चलकर सही कर्म करते हैं। कोई भी धर्म इंसानियत के मार्ग को छोड़कर बुराई के मार्ग पर चलना नहीं सिखाता है। प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ ऐसी ज्ञान की बातें जरूर बताई गई हैं, जिनसे हर धर्म का इंसान कुछ ना कुछ जरूर सीख सकता है। हर इंसान में कुछ कमियां होती है, लेकिन उन कमियों के साथ कुछ ऐसी खूबियां भी होती है जो जिंदगी के बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करवा सकती है। कपटी पुरुष की मित्रता सर्प का विष पीने के समान है। आज जो भी आपके पास है, अगर उसमें आप खुश है तो समझ लीजिए आपसे बड़ा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। खुश रहने का सीधा सा मंत्र उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जिसके पास थोड़ा है वह गरीब नहीं है, लेकिन जो अधिक पाने की इच्छा रखता है वह गरीब है। गंदगी नजरों में होती है, वरना कचरा बीनने वालों को कचरे में भी रोटी दिखती है। हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में ना हो, पर किसी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में है। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाए रिश्ते नहीं। उम्मीदों के सहारे चलकर आप बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, बस आत्मविश्वास का साथ चाहिए होता है। इस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई भी उसे विश्वास न करे। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे को क्या इज्जत देंगे। उम्मीद ही आपका सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प है। यदि हमें अपनी जिंदगी में कमी नजर आ रही है, तब हमें दूसरों को कोसने की बजाय खुद को सुधारना चाहिए। जब नियत खराब होती है तब हर चीज में सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिखाई देती है।